सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड के अंदर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका आभार व्यक्त करते हुए युवा मोर्चा ने एक आभार रैली निकाली और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा समझ चुका है कि जो कानून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाए हैं वह युवाओं के हित में है, और जिस तरीके से कुछ लोग युवाओं को बरगलाने का काम कर रही हैं, युवाओं को समझना होगा कि इस रैली के माध्यम से और युवाओं तक यह संदेश पहुंचाना है कि नकल विरोधी कानून किस तरीके से काम करेगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, नकल विरोधी अध्यादेश अभी अध्यादेश न होते हुए वह कानून का रूप ले चुका है, और जैसे ही हमारा सदन आहूत होगा वह उसमें पारित भी हो जाएगा, उसकी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये नकल विरोधी कानून का आना युवाओं के हितों को सुरक्षित करना है, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाक्रम न होने पाए, हर मेहनत करने वाले व्यक्ति के साथ में, युवा के साथ में प्रॉपर न्याय हो सके उसको सुनिश्चित करने वाला यह कानून है, जो कि बहुत ज़रूरी था।